Hey guys, welcome back to Smack Vlog. So guys, आज Smack Vlog बहुत छुटे शादी में फॉर्म में, फुल फॉर्म में और फुल गर्मी में आओ आओ चलो लोकेशन चलते हैं। ये टब्बर अपना यहाँ रुला। वेलकम बैक टू स्मैक व्लॉग। मुझे एंट्री करेंगे आज। चलो आज करेंगे। चलो आप करो आप पहले आज। हे गाइस वेलकम बैक टू स्मैक व्लॉग। आप करते हैं। हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। डांस कहाँ करेंगे हम? ब्रांड कहाँ से जाएगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी? हमने सेम पहना है, देखिए बस कलर चेंज है। आंखें भी नहीं खोल रही थी मैं। मामा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। कैसे लग रही है तो मामा? सोने लग रहे हैं मामा। मामा ने मेरे कपड़े मैच रही है। मैं बहुत अच्छे से सो गाइस ये है लोकेशन। सिमर बहुत ही प्यारा लग रहा है। सिमर ने पेयर करा येलो कुर्ता पजामा और सिमर अब मेरे को दिखाएगा।
दीदी भी गाइस बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू सो मच। कलर से मैचिंग कर सकते थे पर दीदी ने राशि के साथ करी थोड़ी। आज मेरे को कल वेयर करना था ये, बट आयुषी के चक्कर में मेरे को आज खाने पड़े क्योंकि आयुष को सेम पहन मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ा, पर ठीक है, इट्स ओके, ठीक ही लग रहे हैं। चलो हाथ मार दो। अभी कितनी का इतनी खत्म नहीं हो रही थे यार। ओ भाई भैया आओ आओ यार, कैमरा अंदर घूम रहे यार, हाथ तो यार ये सारे देवर अपनी भाभी का वेट कर रहे हैं कि भाभी को बैठे कार में है ना गाइस। मैं रह गया, हाँ एक और देवर रह गया भाभी का।
थोड़ा टाइम मिला अंदर बैठ मामा मेरे फोटो खींच दो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपनी बहू जी को घर जाने के लिए है ना मासा जी। सो गाइस देखो हम कितने प्यारे प्यारे बन के आए थे और हमारी हालत कैसी होगी ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी बहन और ये अटाकू यहाँ क्या करनी है हम तक। लाला देख लाला जी और लाला देखो लाला जी को क्या आता है सिमी सिमी स्टार्ट हो गया ना फट गया ना ओ थैंक यू मामा जी को ठीक दिया मम्मी ने ये आपके लिए थैंक यू मामा जी इसमें से मैं ठोक लूं मैं लाला के लिए
लाला की जो है ना ये चीज सबसे अच्छी है, ये चीज ना ये चीज हाँ लाला की ये सबसे अच्छी। देखना देखना लाला नीचे उतर जा, नीचे उतर जा लाला, नीचे उतर जा, नीचे मेरी शेरवानी जा रहा, उतर जा, मैंने कुत्ती मारा, उतर जा, खराब हो गई, आ गया आ गया आ गया सिमी। सो गाइस आ गया तो लाला, ये लाला देखो कितना सा है, असली का जितनी देखे आपने आज। आसिमर मैं सिमर से लंबी हो गई, आसिमर देख मेरे को रोज ऐसे करता था, रोज ऐसे करता था वहाँ पे। चलो घर मेरा सामान पड़ा दिख रहा सारा, चल गया। हे गाइस हमारी हालत देख, प्लीज मेरा ये वाला नंबर डाल दो, आप दिखाएंगे और दिखाएंगे विदाई करके फ्रेंड करते हैं। देखो धक्का मार के ले जाने पड़ रहे हैं सारे के सारे, बैटरी हमारी बैटरी लो होगी, हमारी बैटरी लो चुकी है। मैं कह रही हमारा तो वेलकम वाला पार्ट होगा ना, विदाई वाला तो हमारा ही नहीं। नहीं वेलकम हो गया ना, वेलकम घर में होगा, वो हमारे घर में आ रही है, यहाँ से विदाई होगी ना, छह डाल के जाओगे इनकी होगी ना विदाई। तो हे गाइस तो फाइनली अब हमें भाभी को घर ले जाने का टाइम आ चुका है, सो लेट्स गो देखते हैं विदाई। सो इसमें हम अपनी भाभी को अपने घर लेके जाएंगे आज लंबोकनी में। हम रेडी होने जा रहे हैं शेफिन के लिए, आप ऐसा मत समझना, आप ये गलती बिल्कुल मत करना, मैं तेरे शेफिन में मिला जाऊँ, मैं इतनी थक गई मैं को तो मैंने कहा ब्लॉगिंग एडिटिंग कर देते हैं, रुक जाओ पर्स मेरे आगे रखा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही वो निकाल, मैं कहा बाजी फोन निकाल के दे दो एडिटिंग कर दे फिर 8 तारीख को फिर आना, और फिर भाई हमें जाना भी है वापसी, फिर बस जाने का नाम है लो भी। गाइस बोलने की हिम्मत तक नहीं है, पैर में मेरी स्वेलिंग आ चुकी है बहुत ज्यादा, फेस में स्वेलिंग आ गई, और इतनी ज्यादा कोशिश करूँ मैं ना कल की मेरे को डांस नहीं करना, मैं डांस करूँ मौके इतना डांस कर, मैं लाइफ में मैं ना मेरा नेचर बहुत शाय था, मैं कभी डांस नहीं करती थी ना, किसान कसम से कभी कभी डांस नहीं करा, और सिमर भी ऐसा ही है क्योंकि यूके में ऐसा मिलता नहीं, मैं भी आने आगे मैं मेरा बच्चों को, कोई बात नहीं हाफ ले लेंगे, हाफ हाफ ले लेंगे, और मैं कभी डांस वांस नहीं करती थी भाई, एक तो सोनू भाई की शादी में इतना डांस कर लिया मैंने, मतलब लाइक लिटरली पैर खत्म है खत्म, पता ही लग रहा था चलू कैसे, और आप हमारी हालत देख चुके हो, सो इसलिए मेरे को मैं भूल गई थी ब्लॉग की एंडिंग करना, ब्लॉग की एंडिंग करनी थी, गग्गा वाला तो है ही मेरे रिस्पॉन्स लेट आ रही थी ब्लॉगिंग, तो कंप्लीट तो करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। सो गाइस जैसी हमारी हालत हो जैसे भी हमारे ना हमारी बकवास मैनेज कर लेना आप लोग, सो मिलते हैं आपको कल, तैयार होकर मिलेगी कल आपको, तैयार होना पड़ेगा कल भी, मन नहीं है बिल्कुल तैयार होने का, अब तो बस और कि लोअर टॉप पहनो और सो जाओ बस, बड़ी कोई उठाए ना, और बोला बुजी ने मम्मू को हम रूम में सो रहे हैं लॉक करके 10 बजे से पहले ना हमें उठा मत देना कोई भी, सो बस अब सोएंगे, और ये हमारे बैग वगैरह पैक पड़े टैक्सी वगैरह सूट पैक भी करना, मतलब वहीं पे उनके सहारे लगा के बैठे हुए हैं, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, जल्दी से जल्दी ना वो भी ना टाटा पाए बस छोटे, सो टिल देन बाय, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, शॉर्टकट में काम चला लो, होप यू गाइस मैं बोल दूंगा थोड़ी एक्ट नहीं करूंगा, सो होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग, सी गाइस लेटर बाय।